हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंजलि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत हैवी साड़ी है, इसे कैसे पहनना है बिल्कुल आसानी से, तो चलिए देखते हैं। ये साड़ी देखिए, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी है, काफ़ी हैवी साड़ी है चौड़े बॉर्डर वाली, तो जिन्हें पहनना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो न्यूली ब्राइड है उन्हें पहनना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो स्पेशली उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि है, सबसे पहले तो साड़ी को अच्छे से टक कर लें, फ्रंट में अच्छे से टक करें, उसके बाद अपने पीछे से साड़ी को घुमाते हुए अच्छे से टक कर लें। टकिंग अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद जितनी भी साड़ी के प्लेट्स उसे अच्छे से साफ मतलब क्लियर कर ले, उसमें एक भी चूनट ना रहे। उसके बाद हमें आँचल का मेज़रमेंट लेना है। आँचल का मेज़रमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल रफली मेज़रमेंट लेना है, रफ चूनट बना के प्लेट्स बना के अपने हाथों के नीचे से लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड के हाथों के नीचे से अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखना है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड से पीछे घुमाते हुए फ्रंट पे आते हुए और लेफ्ट के शोल्डर पे रखना है। उसके बाद हमें मेज़रमेंट ले लेना है कि कितना हमें आँचल चाहिए। मैं आँचल बड़ा रखती हूँ, आपको जितना भी अपना आँचल रखना है उस हिसाब से आप आँचल रख सकते हैं, मुझे आँचल बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरीके से हमारे पास फ्रंट में इतनी साड़ियाँ बचती हैं जिसका हमें प्लेट्स बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना मेज़रमेंट कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, मुझे आँचल कितना चाहिए। इसके बाद क्योंकि चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी है तो बॉर्डर भी अच्छे से शो होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी साड़ी को जितना हमें चाहिए थोड़ी सी साड़ी को पकड़ के अंदर टक कर देना है बढ़िया से, और पेटीकोट हमारा टाइट होना चाहिए, जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ध्यान रहे इतना भी ज़्यादा टाइट ना रहे कि आप कंफर्टेबल ना हो, बट हाँ थोड़ा टाइट रहेगा तो हैवी वाली साड़ी अच्छे से उसमें आ जाती है, अच्छा मतलब उसका लुक अच्छा आता है। अब हमें प्लीट्स बना लेना है, यहाँ पर मैं एक बार में प्लीट्स बना रही हूँ, और जो हैवी वाली साड़ियाँ होती हैं ना उसकी प्लीट्स बनाने थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं, जो हैवी बॉर्डर की साड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बार में बनाया है। और उसके बाद जब भी प्लीट्स बनाया ना तो उसको इस तरीके से झटकार दे, झटकारने से क्या होता है कहीं चूनट रहता है तो वो निकल जाता है, ठीक है। अब उसको अच्छे से टक कर लें, टकिंग जब भी करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन टक करें। अब हमें आँचल भी बनाना है, यहाँ पे आँचल का मेज़रमेंट हमने पहले ही कर रखा था, जिसको फ्री हैंड लेना है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद क्योंकि हमें बॉर्डर वाली साड़ी बनानी है, बहुत हैवी साड़ी है, पहनने के बाद खुद को बहुत भारी भारी से लगता है, ये चंदेरी सिल्क इसको बोल सकते हैं, वो साड़ी है मेरी, बॉर्डर तो बहुत हैवी है। यहाँ पे सेफ्टी पिन लेंगे और टक करेंगे, इससे क्या होता है ना सेफ्टी पिन से कि प्लेट्स अच्छे से बन जाते हैं, और जब हैवी बॉर्डर रहता है तो सारी साड़ियाँ एक साथ पकड़ाती नहीं, तो हाफ हाफ करके अच्छे से प्लेट्स बन जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से साड़ी को पकड़ना है और आँचल के बाहर वाले हिस्से से हम चूनट बनाना प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। जब हम प्लीट्स बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़े से 1 इंच का गैप दे देना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंदर जो भी प्लीट्स में जो अनइवन रहेगा वो बाहर दिखेगा नहीं। तो अब उसके ऊपर ही हमें प्लीट्स बनाते चलना है, ओके प्लेट्स हो गया। अब यहाँ पे वापस हट कर देंगे क्योंकि जो भी अनइवन रहेगा वो निकल जाता है, इसलिए इस तरीके से करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जब भारी वाली हैवी साड़ियाँ पहनी तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं देखिए बिल्कुल रफली पकड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही है अभी मैं आधा सेट कर रही हूँ, अभी आधा नीचे जो फाइनल है उसको नीचे से सेट करना है, इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फ़ाइनल पकड़ूँगी, मुझे कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था,
इस तरीके से काफ़ी आसानी से हो जाता है। अगर आप सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट आंचल बनाने लगेंगे तो उससे ना बहुत दिक्कत हो जाती है, नहीं बनता, डायरेक्ट नहीं बनता है, मेरे से तो नहीं बनता है। और अब यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। मैंने ज़्यादा एडिट भी नहीं किया है, मैंने बहुत जल्दी ये साड़ी पहन के आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि अगर न्यूली ब्राइड है, किसी पूजा में, किसी फंक्शन में उन्हें जाना है तो फटाफट इस तरीके से साड़ी पहन सकती हैं और बहुत जल्दी पहन सकती हैं। सो होप सो गाइस, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा साड़ी पहनने का ये तरीका। अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा ये वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे फाइनल प्लीट्स बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाऊंगी। मेरे कैमरे का चार्ज ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल में मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, तो डोंट माइंड, क्लैरिटी कुछ अच्छी नहीं रहेगी, आई नो, बट करना था तो करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो नए हैं व्यूवर्स वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इस तरीके की साड़ियाँ पहन के मैं दिखाऊंगी उसका लुक, कई सारे साड़ियों का। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।